यार सुबह के 6 बज रहे हैं और सूरज अभी अभी निकल रहा है और मैंने कैमरे में अभी देखा कि एक मोर हमारे ना मिनी जू में आया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये दो दो मोर यार, ये हमारा है और ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार, ये लड़ाई कर रहा है। मैं सुबह सुबह ना कैमरा चेक करता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, मैंने देखा यहाँ पर दो मोर आए हुए हैं, पता नहीं किसका ये ब्लू शोल्डर मोर। ओ भाई कहाँ से आ गए हो तुम? हाँ ओ भाई जान माशाल्लाह यार बहुत, ओए ओए गंदा गंदा क्यों लड़ रहे हो हैं? ये किसका है भाई? यार मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कहाँ से आ गया। यहाँ पर कोई मोर नहीं बैठा होता था, ना ही हमारे किसी नेबर का मोर है, पता नहीं उड़ उड़ के कहाँ से आया है, समझ नहीं आ रही। इसके पर भी हैं, पड़े ना देखें पर इसके सारे हैं। ओह गया 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 गया। सिपैन अभी सो रहा है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई मोर आया हुआ है, पता नहीं किसका है ये। अरे यार हमारे मोर का पूंछ था दोस्तों ऐश ने खराब कर दिया था, लेकिन मैं इसका पूंछ देख रहा हूँ, इसका पूंछ काफी बड़ा है यार। आ जाओ भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, तुम्हारा ही घर है अब, जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता ना तुमने इधर ही रहना है अब, सही है? सितैन सितैन सिपी यार मिनी जू में मोर आया हुआ है किसी का, पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा मोर है ना। जल्दी उठो फिर उसको यार, जरा दाना वाना पानी छानी रखें और उसको पकड़े, पता नहीं किसका है, जो आएगा फिर ले जाएगा। जी भैया वाले भैया, ये मिनी जू में मोर किसका है? आपने तो नहीं छोड़ा? नहीं नहीं पता नहीं, कोई मोर आया हुआ है, बहुत बड़ा है वो, हमारे से भी बड़ा है। हाँ ना माशाल्लाह, एक हमारे घर में नया मोर आया और हमारा मोर भाग गया यार। घूम रहा है ना इधर, खोलो दरवाजा इधर ही होगा। तुमने मुझे उठाने के लिए बोला, मुझे पता है। नहीं नहीं मोर है भाई, हटो जरा। हाँ अंदर होगा सेफ्टी रूम में। ये तो अपने अभी तो यार घूम रहा था, काफी टाइम घूमता रहा, इधर ही था बस, वो निकल गया होगा, उसने देखा माहौल उसको पसंद नहीं आया हमारा मिनी जू, तो वो यहाँ से भाग गया। नहीं है ना यार, कैमरा खोलो सही है, उसमें देखो मोर आया कैसे था और गया कहाँ पर है, जल्दी देखो। चलो मैं देखता हूँ, यहाँ से उड़ा है ना सिप्टन, ऐसे आया है ना। हाँ अभी देखते हैं, अभी दोबारा। ये हमारा पहले वाला मोर बैठा, देखो कैमरे में आधा आ रहा है भाई सारा, कभी कभी फुल कैमरे में आ जाता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। हो गया, ये देखा है, उड़ के आया सिप्टन, उड़ के आया है। हाँ यहाँ से आया, मतलब ऊपर से पीछे से आया। देखे कैसे नीचे आया, ये भी आगे आगे। ओहो चलो भाई, ये तो पता चला भाई हमारा जो मोर था ना ये हमारा नहीं है, खैर वो अब चला भी, अब है भी नहीं, जिसका भी था यहाँ से आया है और इस छत पर खड़ा हुआ, फिर इधर आया, फिर नीचे आया। हाँ, अभी मैं देखता हूँ तुम कब आए हो। बता रहे कि मोर कहाँ से आया। सही है भाई। फियोना तुम्हारा खाना आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हमने यार मोर को देखा कि वो कहाँ से आया, हमें पता तो चल गया कि वो यहाँ से ना, यहाँ से सामने से आया उड़ के, लेकिन अब वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। अब ऐश और फियोना लेता ना लाइव अच्छा लगता है। तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं भी, तुम नींद में थे, फिर वो चला गया भाई। अब तुम्हारा इंतजार तो ना करता कि सिप्टन उठेगा फिर मैं उसको देख के। हाँ वैसा नहीं हुआ ऐसा ना। हाँ मिल जाता, बना रहा है सिप्टन, बना रहा है, रुको। ओए हो यार चेक करो, खाना खाने के पीछे पागल हो जाता है। खोल दो। ओए ओए ऐश, ओए ओए ओए, उसको खोलो, फियोना को यार डरा दिया है इसने। ये फियोना क्या है, वो ऐश अपना खा रहा है। ओहो इनके अकल में अभी तक नहीं आई कि भाई हम अलग अलग खाते हैं, नहीं भाई एक ही बर्तन पर टूट पड़ना है, कुछ समझ नहीं आती इनकी यार। भाई व्हाइट मोर फिर भाग गया, भाग गया उसको मैं देख के आता हूँ, तुम इनको देखो सही है, मोहल्ले में ही घूम रहा हूँ। मोर ही पकड़ते रहे सारी जिंदगी हम, यार क्या करें, उसके ऊपर मैं निकाल लूंगा, सुबह भी पकड़ के आया उसे। चलो इनको संभालो, मैं आ रहा हूँ उनको, उसको देख के। मुझे लगता है जो नया मोर आया है ना हमारे व्हाइट मोर को लेके निकल गया भाई, पुराने दोस्त होंगे कोई। मोर नहीं थी वो, मोर था नानी, तेरे मोर को मोर ले गए। अंदर जाओ अंदर जाओ, क्या ही बात है यार, एक दफा मैंने बोला अंदर जाओ फिर बाहर आ गए। अंदर जाओ, गुड। फिर व्हाइट मोर का पता तो चल गया कि वो कहाँ पर है, लेकिन उस घर को भी है ताला। अच्छा अच्छा
शाम को वो आएंगे। अच्छा उठा लेंगे, तसल्ली रखो है पड़ा। सही है, चलो ठीक। क्या कर रहे हो तुराब? क्या गया यहाँ पर? ये क्या कर रहा है वो भाई? ये गद्दे के ऊपर ऐसे खेलते रहते हैं सिप्तान। इतना ऊंचा चला गया नीचे, बाकी ये देखो ताड़ में गया। ये गिरेगा तुराब, ये गिरेगा। ये गिरते नहीं है भाई, खुद ब खुद नीचे उतरेगा देखना। ऐसे सारा दिन खेलते रहते हैं सिप्तान। ओ भाई गया यार, मजे यार इनके भी। चलो फिर चलो नीचे उतरो, देखते जाओ गया यार। लड़की के बच्चे कितना बड़े हो गए माशाल्लाह, खेलते हैं कूदते हैं, खुद खाना खाते हैं, इधर हम खाना दे देते हैं इनको, आराम से खा लेते हैं। ब्लैकी भी इनके पास बहुत कम आती है, यहाँ से कभी कभी आ जाती है रात को। तुम्हारा फेवरेट सिपी? हाँ मेरा फेवरेट ये। तुम कहते नहीं थे यार मोर के अंडे आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई चीज है नहीं इनको फिर बिठाया जाए। हाँ इधर आओ। हमारी दोस्तों एक मुर्गी ना कुड़क हो गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस मोर के अंडे ना इस मुर्गी की। ओए सितैन कबूतर आए हुए हैं सारे, ये सारे आ चुके हैं यार, इनको पकड़ लो यार। सितैन बेचारे जंगली हो गए यार। ये बैठी हुई है सितैन, आ जाओ। जिसके नीचे हम बतखों के अंडे रखे थे वही मुर्गी कुड़क हो गई है। तो बर्बाद कर देगी। हाँ भाई तुम्हारे नीचे मोर के अंडे रखे? नहीं भाई नहीं रखे। क्या? क्योंकि ये मुर्गी खराब केयर करती है अंडों की, मोर के अंडे बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है यार सिप्तान, फिर खराब हो जाएंगे यार, इंक्यूबेटर बनाओ फिर जल्दी जल्दी रखें। गर्मियों का बेटर को ही सेट करेंगे, उसमें हर किस्म के अंडे रखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बड़ा सा, और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे। चलें फिर ऐसे ही ठीक है यार। वैसे सिप्तान सही कह रहा है, इसने बच्चों के अंडे सारे के सारे खराब कर दिए थे, सही से केयर नहीं कर रही थी। जिस तरह से टर्की बर्ड नहीं करती थी, अभी ऐसी करती थी। तो हम इंक्यूबेटर में मोर के अंडे रखेंगे, इसके नीचे कोई भी अंडे नहीं रखेंगे। मोर के भी रखेंगे, बच्चों के भी रखेंगे, अगर वो कुड़क ना हुई बाकी भी सबके अंडे। चलो फिर ऐसे ही करते हैं दोस्तों, अभी इसको स्किप करते हैं, इस मुर्गी को छोड़ देते हैं जी। चलो नीचे कर दो सिप्तान, छांव आ जाएगी यार, गर्मी है। तो अभी दोस्तों हम इस तरपाल को ना नीचे कर रहे हैं, ताकि हमारे परिंदे छांव में रह सकें, क्योंकि आज बहुत तेज धूप है। ये देखें सूरज कितना जोर से निकला हुआ है, और मैं समझ रहा था कि मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मियों में कहाँ अच्छा रहता है, आपको पता होगा लास्ट टाइम कितना गर्मी होती है और परिंदे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अब यहाँ पर छांव आ गई है, तो फिर अभी हम नीचे चलते हैं और पानी देते हैं पौधों को। आ जाओ सिप्तान, पाइप लगा दो। पाइप घास में लगा हुआ है, कौन किसने लगाया? चेंज करना है, वो रख दिया था मैंने। ये कहाँ लेके जा रही हो बच्चे को? ओए ब्लैकी छोड़ दो उसको, ब्लैकी इधर आओ, चलो इधर आओ। फिर ब्लैकी काम देखे, इस बच्चे को लेके नीचे जा रही थी पुरानी वाली जगह पर, अब इसका घर भी तुम्हारे इधर है, इधर आओ। चलो शाबाश, तुम्हारा खाना पीना इधर है सब कुछ, कहाँ लेके जा रही थी इसको? वैसे भी तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, खुद खाना खाते हैं। यार अचानक से बादल आ गए और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, और तुराब के जहन में एक चीज आई, इसने मुझे बताया कि भाई हम खुली नहीं रही, पता नहीं कैसी यार तुमने बांधी है यार। दिराज भाई खोलेंगे, आ जाओ यार दिराज भाई, रस्सी भी खोलने आती भाई तुराब को भाई याद नया। देखे कितना यार, देख रहे हो थोड़ा सा जोर लगाने और थोड़ी सी अकल जगह से है यार। अच्छा अच्छा खींचता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना क्यों सफाइयां पेश कर रहे हो? ठीक है आती है यार इसको, आती है। फयाज भाई से भी पूछना है, तोतों का कैसा, क्या मतलब उनका हाल है भाई? जिंदा भी है? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बड़े हो गए, बड़े हो गए थोड़े से। आपने बोला मैं बोलना सिखाऊंगा, सिखा रहे हैं, सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। हाँ उनको बोलना, वो भी है बंदा। इसको भी एक चीज दी थी हमें भाई, आपको याद है हमने आपको एक बिल्ली दी थी प्यारी सी, उसका नाम भी मुझे याद है, उसका नाम कोई सैस्मिन था। मिली हाँ, उन क्या मर गई है, बीमार हो गई थी बेचारी। अच्छा खराब मर गई है यार, हमें बताते हैं, हम इलाज करा देते हैं। दो दिन मेरे भाई रोटी भी नहीं खाई, अचानक ही हुआ है ये। तो आप ऐसे बोल रहे हैं उसको बचाने के लिए, क्यों मरी है भाई वजह? वो भाग गई थी घर से एक दिन। अच्छा सुबह अचानक आई है तो उसकी तबीयत खराब थी, सिरप वगैरह पिलाया तो। अच्छा मैं काम पर आया गया था उसके बाद यार। यार प्यारी छोटी सी बिल्ली थी एक, वो मिली, उसका हमने नाम रख के भाई को दे दी थी, लेकिन बेचारी वो मर गई है भाई कह रहे हैं। यार कोई नहीं यार। तो हम दोस्तों ऐश और फियोना के लिए ना ये वाली रस्सी खोल रहे थे, अब क्या करेंगे हम, मौसम ठंडा है, तो मैं और सिप्तान ऐश को आज और फियोना को भी साथ में घुमाने लेके जाएंगे, और थोड़ा सा वो मौसम एंजॉय कर लेंगे। सिप्तान ऐश को भी खोलो, फियोना को भी खोलो, चलो शाबाश। ओए रुको ऐश, ओहो हो हो हो, आ जाओ ऐश, आ जाओ फियोना, आ जाओ, चलो 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 भाई, चलो ऐश फियोना।
तो आज ऐश और फिरन दोस्तों तीसरी दफा घर से बाहर निकल रहे हैं। लास्ट टाइम रमजान और सिप्तैन लेकर गए थे और आज मैं और सिप्तैन ऐश और फिरन को बाहर लेके गए हैं। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घास खाता है ये। घास घास क्यों खा रहा है? इतना कड़वा है यार। चलो भाई चलो ऐश फिरन, चलो वॉक करो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। शाबाश। ओए 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 ओए, फियोना को कांटे लग गए। सिप्तैन उठाओ यार, फियोना को कांटे लग गए। जरा रुको, इधर आओ, लेके आओ ऐश को भी। ऐश के पाँव पे कांटे हैं, जरा चेक करो इसके पाँव पे। हाँ, नहीं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको भी साफ करो। इसके भी हैं? नहीं यहाँ कुछ नहीं, पीछे वाले पाँव। ठीक है ठीक है ठीक है यार, बहुत ही अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी कभी भी आ सकती है। अभी तो ये आ रहे हैं भाई इस मौसम में बाहर, मजे करेंगे। फिर पता नहीं कब ऐसा मौसम हमें नसीब होता है। ये मुझे देख के भौंके या ऐश फियोना को? ये ऐश फियोना को देख के यार। तेरा इधर आ जाओ, इनकी रस्सी पकड़ के रखना बस। ऐश तो छोड़ेगा नहीं, वो देखो। ऐश हमला करने के लिए तैयार है भाई। तो हमने ऐश फिरन को काफी वॉक करा लिए, अभी तो हमने इनको वापस लेके जा रहे फार्म में, दोबारा मिनी जू में। चलो 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 चलो। यार आप सोच रहे होंगे इसको रस्सी भी बांध दी और मास्क भी पहना दिया, ऐसा क्यों किया? यार ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रैबिट्स वगैरह और ये छोटे चूजे वगैरह ना यहाँ पर आ जाते हैं इसके करीब और ये अचानक से झपटी मार लेता है, तो इसलिए हमने कहा इसको अभी भी मास्क पहना देते, चाहे रस्सी में बंधा हुआ क्यों ना हो, एहतियात जरूरी है। यार अभी ना हमारा एक कॉकटेल उड़ के यहाँ पर आ गया क्योंकि हवा की वजह से ना पिंजरा गिरा है और कॉकटेल हमारा एक तो मैंने पकड़ लिया था उधर ही, ये सब अचानक से हुआ। और एक कॉकटेल किधर है यार? कुछ कपड़ा हो ना, कपड़ा कपड़े की वजह से पकड़ लूंगा मैं। कपड़े से? कपड़े से पकड़ लूंगा, ऐसे तो ये उड़ भी सकता है, अभी रोशनी है ना। कपड़ा कहाँ से लाया अभी इस टाइम? वेरी गुड, फाइनली यार हमने कॉकटेल को पकड़ लिया। तो आपने पकड़ा यार, अच्छी बात है यार। दूसरी दफा ऐसा हो रहा है, पहले भी एक कॉकटेल हमारे उड़े थे फिर हमने पकड़ लिया था, उनको अभी भी पकड़ लिया। जाओ भाई, गुड। ये देखें यार, ये पिंजरा गिरा, ये देखें इसका ऊपर वाली साइड ये है और नीचे वाली नीचे गिरी हुई, यहाँ से हमारे कॉकटेल उड़ के उधर चले गए थे। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ मोर को उठाने क्योंकि रात हो चुकी है और भाई लोग भी आ चुके हैं, हमें पता चला कि वो घर आ गए हैं। तो अब जा रहे हैं हम मोर को उठाने, अल्लाह करे घर वहाँ पर ही होगा जहाँ पर हमें शक है। उनके अपने भी थे कुछ मोर, ये ना हो कि यार उनका समझ के हम कह रहे हो कि भाई ये हमारा मोर है, जाके देखते हैं। वो हमारा है ना? हाँ हाँ वही है वही है। एक मिनट रुको रुको रुको, पीछे की तरफ है यार, ये बैठा है हमारा मोर वाइट, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। चलो यार एक मिनट। यार मैं घर वापस आ गया हूँ, हमारा मोर ना यहाँ से उड़ के किसी और जगह बैठ गया है और वो एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ना, सुबह हम जाएंगे और अपना मोर पकड़ लेंगे। अभी फ़िलहाल हम नहीं पकड़ सके तो कल सुबह सुबह मैं जाऊँगा और पकड़ लूँगा इंशाल्लाह, अभी लॉक है वो। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी वीडियो, दुआ कीजिएगा हमारा वाइट मोर कहीं ना जाए और बहुत टेंशन हो रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। भाई वो मोर उड़ गया है वापस, सुबह इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सुबह सुबह उठना मेरा साथ देना, वहाँ से पकड़ लेंगे उसको। ओके ब्रो, फीड होगी सबको, लास्ट ध्यान से करना यार, सांस वाली नाली में ना चला जाए। वो पहले कभी गया है यार, अजीब से दे रहे हो ना। अच्छा इधर हो यार, ऐश और फियोना का खाना।